रॉकेट लॉन्चर ओपी। ओ भाई साहब, सारे जर्मन टाइटल पेड़ दिए इसने। लिटरली मैं पहली बारी देख रहा हूँ इसको। ओ वाइट 32। आज के गोले पर सारे ये व्हाट्सएप गैंग, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। गाइज, तुम्हें 24 जनवरी की डेट तो याद होगी, जिस दिन पाल वर्ल्ड में एक बिग अपडेट आई थी, एंड उसी बिग अपडेट के साथ एक न्यू पोकेमोन भी आया था जिसका नाम था ब्लेजमत्रियू। एंड लिटरली भाई, वो पोकेमोन सारे पोकेमोन में से बहुत ज्यादा खतरनाक है, एंड ड्रैगन की लिस्ट में से वो सबसे टॉप में आता है। एंड गाइज, आज हम उसी से फाइट करने वाले हैं, एंड लिटरली पता नहीं गाइज वो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो लिटरली गाइज, इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर तुम्हें और भी मजा चाहिए तो फटाफट से जाके इस वीडियो के बाद ब्लैक मिथ वोकों की प्लेलिस्ट चेकआउट करना, बिकॉज हमने उसमें गुड एंडिंग करी है। एंड लिटरली भाई, लास्ट वाली फाइट तो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। तो चलो गाइज, डिफीट करते हैं ब्लेजमत्रियू को। ऑलराइट गाइज, स्वागत है उसी का मेरे प्यारे से बेस में। और गाइज, आज हम फाइट करने वाले हैं ब्लेजमत्रियू से, जो कि ब्लेजमत का एक इवॉल्व वर्जन है। भाई ब्लेजमत का इवॉल्व वर्जन है, मतलब वो फायर टाइप तो होगा ही, बट वो एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी है। एंड पता नहीं गाइस वो साथ ही में कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बट तुम्हारे भाई ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। बट हाँ, आज मैं थोड़ी सी और तैयारी करने वाला हूँ, जो कि भाई मेरी तरफ से कोई कसर न रह जाए, मैं उसको पहली बारी में डिफीट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बेलनर को डिफीट किया था। और साथ ही में आज मैं अपना सीक्रेट रूम दोबारा से ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें बताया था ना, ये सीक्रेट रूम सीक्रेट ही रहेगा। बट जब कभी भी हमें प्रॉब्लम आएगी ना, हम भाई इस सीक्रेट रूम के अंदर जाएंगे, एंड वहीं पे हमारा प्रॉब्लम का सलूशन होगा। तो चलिए यार गाइस, इसके अंदर तो बाद में चलेंगे, फिलहाल के लिए ना मैं एक अपने न्यू बेस में चलता हूँ, वो मैंने स्पेशल काम के लिए लगाया है। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू माय न्यू बेस। जो ये बेस है ना, ये थोड़ा टेम्परेरी बेस है, मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ कई सारे ब्रीडिंग फार्म। तो फटाफट से ना एक बारी मैं पहले यहाँ पे अनुबिस को छोड़ देता हूँ, जो कि वो मेरी बिल्डिंग में मदद कर दें। ओके, तो 3-4 में भी काफी होंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रीडिंग फार्म बनाने का सामान पहले से रख रखा है, तो फटाफट से ना यहाँ पे क्राफ्ट कर देते हैं। तो ये रहा अपना ब्रीडिंग फार्म, एक आएगा यहाँ पे, एंड एक आएगा, वेट, भाई ये पत्थर किसने रख दिया, वेट, मेरा अल्टीमेट स्पेयर खराब हो गया। बढ़िया, तोड़ो इसको, जितने ज्यादा हो सकते हैं ना मुझे उतने ज्यादा यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म लगाने हैं, क्योंकि लिटरली मैं बहुत सारे ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ यहाँ पे। एंड वो किसकी होगी वो तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा, फटाफट से पहले इनको लगा देते हैं। ऑलराइट, तो काफी सारे मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म लगा दिए हैं। अब चलो भाई, फटाफट से ना सारे अनुबिस को मैं अंदर की तरफ रख लेता हूँ, एंड जिनकी हमने ब्रीडिंग लगानी है भाई वो है अपने ये जर्मन टाइड, मैंने इनको पहले से सेट करके रख रखा है। ओके, तो पकड़ के भाई सबको डाल देते हैं यहाँ पे। देखो वैसे मेरे पास काफी सारे जर्मन टाइड हैं, बट भाई मैं नहीं चाहता किसी भी पॉइंट पे मैं पीछे रह जाऊं, एंड ये पूरी की पूरी फाइट हार जाऊं। आज तो कैसे भी करके डिफीट करके रहूंगा भाई, इतने दिन बाद मौका मिला मुझे। एंड मैंने केक लेके आना भूल गया भाई, मुझे घर से केक भी लेके आने चाहिए थे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, केक वेक भी ले आएंगे, पहले फटाफट से इनको यहाँ पे डाल देते हैं। ऑलराइट गाइस, जर्मन टाइड के तो मैंने ब्रीडिंग यहाँ पे लगा दिया है, लिटरली देखो भाई कितने सारे जर्मन टाइड है। एंड अब मैं यहाँ पे उस पोकेमोन की ब्रीडिंग लगाने वाला हूँ, जिस पोकेमोन का फाइट में सबसे ज्यादा मेन रोल होगा। ओके, तो इस ब्रीडिंग में पहले हमें चाहिए ये बुशी, एंड इसके साथ जाएगा अपना पायरिन। तो भाई ये वाली ब्रीडिंग है एजरोब की। जो एजरोब है ना, अगर मैं उसके ऊपर बैठ के कोई भी अटैक करूंगा तो मेरे सारे के सारे अटैक ना वाटर टाइप अटैक में बदल जाएंगे, एंड तुम्हें तो पता है भाई फायर टाइप के अगेंस्ट वाटर टाइप कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलो गाइस, यहाँ पे तो अपना काम हो चुका है, एंड फटाफट से ना एक बार घर पे चलते हैं, एंड वहां से मैं कुछ केक लेके आता हूँ, जो कि यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म में रख सकूं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने घर पे, एंड फटाफट से यहाँ से केक उठाते हैं। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं अपने न्यू बेस में। अबे वो जर्मन डैड बाहर क्या कर रहे हैं? ओके, आ गया अंदर। तो लेट्स गो गाइस, सभी में केक रख देते हैं। ओके, केक तो देखते बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं। ऑलराइट, तो मैंने सारे फार्म्स में केक्स तो रख दिए हैं, एंड देखो भाई देखते यहाँ पे अंडे भी आ चुके हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं अपने बेस पे, क्योंकि भाई रात भी होने वाली है। ओके, अभी नहीं हो रही है, तो फटाफट से क्या करता ना भाई, ये ओल्ड वाले कॉम्बो मैंने चेक किए थे, शायद से नहीं, तो फटाफट से पहले इनको चेक कर लेते हैं। तो नाइटविंग एंड ग्रिस बोल्ट से क्या मिलता है पहले तो ये देखते हैं। ओके, केक जा चुका है, एंड इनसे हमें मिला है एक ह्यूज ड्रैगन एग, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, शायद से एस्टागन। ओके, जर्मन टाइड मिला है, शायद से फिर नहीं करी, एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं। इनसे भाई एक ह्यूज एग मिला है मुझे, ह्यूज डार्क एग। ओके, इसमें से देखते हैं क्या मिलता है। मेस्टिंग की ब्रीडिंग थी भाई ये। तो लेट्स गो, फटाफट से यहाँ पे न्यू वाले कॉम्बो लगाते हैं, एंड एक बार सुबह करके फिर चलते हैं भाई अपने सीक्रेट रूम में। ऑलराइट, तो गाइस भाई पहली ब्रीडिंग यहाँ पे आएगी इस सर्पेंट के साथ,
एंड इसके साथ में जाएगा ये सजाकू। भाई देखो कितना ज्यादा आराम से उड़ रहा है, तो इसको डालते हैं इसके साथ में। भाई इनको कैसे पता लग जाता है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, लिटरली यहाँ पे सो गया ये। हाँ आ रही थी नींद, अभी रात नहीं हुई है। इसको डालते हैं यहाँ पे, फायर टाइप प्लस वाटर टाइप एंड शेसिस जो पोकेमोन मिलेगा ना वो शेसिस सजाकू एक्वा होगा। तो चलो देखते हैं इनसे हमें क्या मिलता है। एंड ये वाला कॉम्बो है पीपी भाई का। पीपी भाई शाउट आउट टू यू। एंड अब पकड़ते हैं जोल्टक क्रिस्ट को। ओए यहाँ पे क्या कर रहा तू है, इसको ठंडा कर रहा है, तुझे इसको ठंडा नहीं करना है, तू आएगा यहाँ पे। एंड वो माओ कैट कहाँ पे गई, माओ तो अपनी माओ कैट भी आ चुकी है, इसको रखते हैं इस छोटे से जोल्टक क्रिस्ट के साथ में। लेट्स गो गाइस, दोनों से प्यारे प्यारे पोकेमोन की यहाँ पे ब्रीडिंग लग चुकी है। एंड देखते हैं इनसे हमें कौन से वाला पोकेमोन मिलता है। एंड ये वाला कॉम्बो है एनिमल लवर भाई का। एंड चलो गाइस फटाफट से एक बार सुबह करके आते हैं एंड फिर खोलते हैं अपने सीक्रेट रूम को। लेट्स गो, फटाफट से सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है। एंड चलो गाइज आज टाइम है अपने सीक्रेट रूम को ओपन करने का। लिटरली भाई जब जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ ना, मुझे यहाँ पे आना ही पड़ता है, क्योंकि यहीं पे हर एक चीज का सलूशन होता है। ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया है ये। मतलब पूरे घर में से ना यही वाला रूम इतना ज्यादा सजा रखा है मैंने, क्योंकि भाई है भी ये सीक्रेट। लेट्स गो फटाफट से इसको बंद करते हैं। भाई वैसे तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ सीक्रेट नहीं है, बट जो भी सीक्रेट है ना भाई वो सीक्रेट है इन चेस्टों के अंदर। तो फटाफट से पहले तो ये वाली चेस्ट ओपन करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे रखी है ब्लेजमथ रियू की स्लैब। लेट्स गो फटाफट से इनको यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। भाई जब हम एक बार गए थे ना साकुराजमा आइलैंड के गुफा के अंदर, तभी मुझे ये वाली स्लैब वहां से मिली थी। एंड अब बारी है इसके जो बिल्कुल फ्रंट पे रखी है ये वाली चेस्ट। भाई ये धूल मिट्टी कैसे जमी पड़ी है इन पे, शायद से मैं आता नहीं हूं ना इसलिए। ये देखो हर एक चेस्ट पे। तो लेट्स गो एंड दिखाता हूँ भाई मैं तुम्हें क्या सीक्रेट है। 3, 2, 1 लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे रखी है काफी सारी नेल्स, मुझे नहीं पता इनसे कितने ज्यादा पैसे बनने वाले हैं। बट गाइज जैसे कि मैंने ब्रीडिंग ओनली वर्ल्ड में तुम्हें बताया था ना, भाई आगे जाके जितनी भी बड़ी बड़ी फाइट होने वाली हैं उनमें हमें गोला बारूद से ज्यादा कॉइंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई यहाँ पे भी वही हिसाब है, हिसाब ना इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो भाई इसीलिए यहाँ पे ये इतनी सारी नेल्स रखी हैं। तो लेट्स गो पहले तो इनको फटाफट से एक बार कलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। एंड भाई ये कुल नेल्स हैं 4,910। तो लेट्स गो फटाफट से चलते हैं बाहर की साइड पे। एंड आज का सीक्रेट भाई इतना ही था, बट जो यहाँ पे दो चेस्ट है ना इनमें भी भाई बहुत ज्यादा बड़ा सीक्रेट है, बट वो टाइम आने पे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो लेट्स गो इसको मैंने बंद कर दिया है एंड चलते हैं फटाफट से बाहर की साइड पे। एंड भाई इतना ज्यादा वेट हो चुका है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ लिटरली। एंड अब मुझे निकालना है यहाँ से मर्चेंट को, क्योंकि भाई इन सारी नेल्स को मैं सेल करने वाला हूँ, जिनसे हमें मिलेंगे काफी सारे कॉइन्स। एंड उन कॉइन्स भी इस तरह। तो लेट्स गो फटाफट से, तो पहले मर्चेंट को बुलाता हूँ। मर्चेंट को किस साइड पे बुलाऊं, हाँ ये एक वाला स्लॉट खाली है। ओके इधर आ चुका है। ओए इधर आ भाई, पहले यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तू और कहीं पे जा रहा है। हेलो सर इधर आओ। अबे ये क्या खोल दिया, इधर आ सर। ओके मैंने पकड़ लिया इसको। लेट्स गो मुझे सेल करनी है इसको आइटम। ऑल राइट गाइज 4,910 इसको सेल। तो ओके गाइज 4,000 इसको नेल्स, चार भी नहीं है वैसे 5,000। तो ओके गाइज, तो चलो गाइज फटाफट से इसको ये नेल सेल कर देते हैं एंड देखते हैं भाई हमें कितने कॉइन्स देता है। अभी देखो मेरे पास ना 1 मिलियन के कुछ करीब हैं, अभी तो मेरे पास एक लाख के करीब कॉइन्स हैं। तो फटाफट से इसको ये वाली नेल सेल कर देते हैं। एंड भाई इन नेल्स के बदले ये मुझे उतने कॉइन्स दे रहा है जितने मेरे पास पहले से ही हैं। 98,000 कॉइन्स। ओके लेट्स गो भाई सेल करते हैं इसे। ऑल राइट मेरे पास 1,89,000 कॉइन्स हो चुके हैं भाई, इनसे तो मुझे इतने मिले हैं, यानी कि मेरे पास जितना भी सामान है ना भाई उसको मुझे सेल करना पड़ेगा। तो फटाफट से एक बारी मैं यहाँ से सामान ले लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे रिफाइंड आर्मर, ये वाला भाई यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें मैं सेल करने वाला हूँ फटाफट से। तो एक स्लैब यहाँ पे भी रखी है, बस गाइस हमें एक स्लैब की और नीड है एंड उसके बाद हम बना पाएंगे ब्लेजमथ रियू की स्लैब। तो लेट्स गो फटाफट से इन फ्रेगमेंट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड जो ये सोल वगैरह ना इनको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके तो गाइस ये वाला, ओके तो ये काम तो हो चुका है। एंड जाते जाते ना फटाफट से यहाँ पे मैं और एमओ वगैरह बनाने के लिए दे देता हूँ। ओके ये वाली एमओ तो बन चुकी है एंड थोड़ी सी यहाँ पे ना और बना देते हैं, क्योंकि भाई इनका डैमेज ना बहुत ज्यादा सही पड़ता है। लिटरली जो हार्डकोर फाइट मैंने करी थी ना ग्रिसबोल्ट के साथ, भाई उसमें यही वाली एमओ काफी ज्यादा काम आई थी। ओके तो यहाँ पे अनुबिस तो मैंने छोड़ ही रखे हैं एंड यहाँ पे ओके मशीन गन की एमओ भी बन चुकी है। एंड यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा ये बनवाना है, क्या कहते हैं फ्लेम थ्रोवर। वैसे यार मैं फ्लेम थ्रोवर बनवा रहा हूँ, उसके पास तो मैं जाऊँगा नहीं, तो मुझे मीटर लॉन्चर नहीं, उससे बढ़िया तो वेट, थोड़ी गन पाउडर की कमी पड़ रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, गन पाउडर तो अपना बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई सल्फर वगैरह की। तो लेट्स गो फटाफट से चलते हैं पहले न्यू बेस पे।
एंड वेट, जाते जाते ना मैं एक इनक्यूबेटर का सामान भी ले जाता हूँ बना के। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके अपने न्यू बेस में। लिटरली भाई यहाँ पे देखो कितने सारे अंडे ही अंडे हैं भाई, वहाँ पे अंडे, यहाँ पे अंडे, यहाँ पे अंडे, एंड लिटरली भाई कितने सारे, एंड वहाँ पे भी, और वहाँ पे तो दो ह्यूज एग भी है भाई, नहीं दो, ओ हाँ दो एग है भाई ह्यूज वाले, एंड देखो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे रखे हुए। भाई ये वाली जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया है। ओके ओके गाइस, अपने पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से जितने भी केक है ना मैं सारे ब्रीडिंग फार्म में रख देता हूँ। ऑलराइट, तो केक मैंने रख दिया है, एंड फटाफट से पहले तो यहाँ पे इनक्यूबेटर लगाते हैं भाई, पहले एजरो को ओपन करके देखते हैं। लेट्स गो, रखते हैं यहाँ पे ये डंप एग। ओके नहीं भाई, बहुत ज्यादा बेकार मिली है लिटरली, ये वाली स्किल तो मैंने डाली भी नहीं थी। स्ट्रॉन्गेस्ट साइट निब्बल, बस एक स्किल रह गई। ओके इसमें से ब्रेटल की नहीं आनी चाहिए थी बिल्कुल भी। ओके स्ट्रॉन्गेस्ट साइट एंड वैनगार्ड, ये सही है। ऑलराइट गाइस, यहाँ से अपने को अपनी एजरो तो मिल चुकी है। हाँ वो अलग बात है, उसमें निब्बल की स्किल नहीं आई जो मतलब के बुशी के पास है, बट भाई उससे अपना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी। और जो ये वाले एग हैं ये तो तुम्हें पता है भाई, लेजेंड जर्मन डैड के एग हैं, तो इनको फटाफट से ओपन करके ना फिर चलते हैं साकुराज मैलन की गुफा के अंदर भाई, वहां से हमें ब्लेजमत्रियों की स्लैब भी ढूंढ के लेके आनी है। तो लेट्स गो गाइस, फटाफट से सारे अंडों को ओपन कर लेते हैं। हाई लिटरली बहुत सारे अंडे हैं यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, सारे अंडे ओपन हो चुके हैं लिटरली भाई, बहुत ज़रा टाइम लगा है इनको ओपन करने में, मतलब देख रहे हो पहले एक दिन पूरा निकल गया, एंड नेक्स्ट डे चढ़ के भाई उसका भी आधा दिन हो चुका है। एंड यार अगर तुम्हें थोड़ी सी लैग लग रही है ना, तो लैग ना ये इनका पैच नोट आया है न्यू वाला, तो भाई उसी में प्रॉब्लम है ये, इस करके ये गेम लैग हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो चलो छोड़ो यार, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, अब फटाफट से चलते हैं साकुराजमा की गुफा के अंदर। डेजमू मैंने अपने साथ में रख लिया जो कि हम गुफा के अंदर अच्छे से ट्रैवल कर पाएं, तो लेट्स गो चलते हैं। ओके तो मैं फटाफट से ना पहले अपने बेस के पास ही चलता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे है एक गुफा। तो ओ कुछ मीटियर वगैरह आने वाला है। ओ ओके स्प्लाई ड्रॉप आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ये? ओ भाई साहब ये तो इधर की तरफ ही आ रहा है। लेट्स गो डेज मूव पे बैठ के चलते हैं। ओके ओके यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे गिरा है। भाई याकूमो देख रहे हैं क्या हो गया। इधर उधर वो देखो, वो देखो, चलो चलो ये तो सही बात है। और इस बार सिंडिकेट भी नहीं आए हैं। ओके देखते हैं क्या मिलता है इसमें से। ओ रॉकेट लॉन्चर का अनकॉमन सिमेटिक है। अबे भाई लेजेंडरी वाला रखा है हमारे पास। ओके डिसेंट सी लूट है। तो चलो यार गाइस फटाफट से चलते हैं। ओ भाई डोगन घूम रहा है यहाँ पे। एंड ये बुशी अपना है? ओ ये अपना नहीं है। ओ वेट गाइस, अपने सारे के सारे पोकेमोन डिप्रेस्ड हो चुके हैं, क्योंकि भाई वो यहाँ पे काम कर करके बिल्कुल थक चुके हैं लिटरली। ये देखो भाई यहाँ पे माइनिंग वगैरह चल रही है, यहाँ पे कोल माइनिंग चल रही है, एंड लिटरली यहाँ पे कितना सारा कोल एंड सल्फर आ चुका है भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन सारे सामान को उठा के लेके चलेंगे, एंड भाई अपने पोकेमोन्स को भी मैं दवाई दे दूंगा, अपने घर पे काफी सारे इंजेक्शन बने रखे हैं। लेट्स गो, ये वाली गुफा यहाँ से ओपन है, तो चलते हैं फटाफट से इसके अंदर। 52 लेवल का बॉस रहता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं साकुराजमा की गुफा के अंदर। लेट्स गो डेजमू भाई, फटाफट से बजा के ले चल, एंड फटाफट से। ओए अच्छा ये है, ये है, ये है, मैं भी कहूँ कौन से न्यू सिंडिकेट आ गए। फटाफट से हमें यहाँ से ब्लेजमत की स्लैब ढूंढनी है, ब्लेजमत रियू की। लेट्स गो। ओके ओके आगे बुशी नॉक्ट है, इधर की साइड से चलते हैं। बढ़िया, एंड मैं जाऊँ कहाँ पे? ओ वेट 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 वेट, अबे कैटरिक सिग्नस मुझसे डर गई भाई। ओके एक इधर की तरफ रास्ता है, एक इधर की तरफ है, पहले इधर की तरफ चल के देखते हैं सामने की तरफ। ऑल राइट यहाँ पे तो मे बी नहीं, नहीं ओपन है, ओपन है। ओके यहाँ पे क्वार्ट्स हैं, एंड एक चेस्ट भी रखी है, चेस्ट मैंने ओपन करी है बट कुछ नहीं मिला, थोड़े बहुत कॉइन मिले हैं, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। भाई कितना ज्यादा लैग कर रहा है भाई, ये अच्छी बात नहीं है भाई, इन्होंने पैच नोट अच्छा नहीं दिया। चलो यार कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स गो, मैं शायद से बोस एरिया में आ चुका हूँ। हाँ भाई मैं बोस एरिया में आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे बोस है चिलेट। ओ भाई चिलेट कितना बोस है यहाँ की। लेट्स गो नीचे उतरते हैं। ओके मैं किसको यूज करूँ? फुल टैलेंट को यूज करते हैं। लेट्स गो। ओके 3 2 1 आई शॉट। ओ भाई साहब देख रहे हो भाई, सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला चिलेट को बेचारी को, यहाँ के बॉस को तो डिफीट कर दिया है। अब चलते हैं फटाफट से अंदर की साइड पे। प्लीज यार मुझे पहली बारी में स्लैब मिल जाए प्लीज। ओके ओ ब्लेज मत रही की स्लैब। लेट्स गो, एंड इसमें से भी।
नहीं, इसमें से बेलनर की, ओ भाई मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ लिटरली भाई, इसमें से बेलनर की स्लैब मिली है। एंड वो देखो भाई, वो बेचारी दो चिलेट वहां पे घूम रही है। यार देखो यार, अब क्या ही करूं मैं, मारना तो पड़ता ही है ना। चलो कोई बात नहीं गाइस, अपने को ब्लेज में तुझू की स्लैब मिल चुकी है, तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से बेस पे एंड वहां से सारा सामान कलेक्ट करके चलते हैं सीधा मेन बेस पे। ओके, ओबे भाई कहाँ पे पटक दिया पानी में। ओ यहाँ पे दो दो डायनासोर लक्स हैं भाई, तुम दो दो यहाँ पे क्या कर रहे हो हैं? कितना लेवल है भाई? 49 लेवल है इनका। और हाँ गाइज, आप लोग कह रहे थे एक बार हमें अंबानी हाउस देखना है, तो ये देखो भाई अपना अंबानी हाउस, लिटरली कितना ज्यादा बढ़िया दिखता है ये भाई, लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया दिखता है, किसी होटल से कम नहीं है। वेट, ये दो ऊपर चढ़ के क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं एंड ये जर्मन डैड क्या कर रहे हैं? ओ बीटल भी यहीं पे है भाई, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो यार, इनको मजे करने दो, मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ ज्यादा, तो इनके मजे हो रहे हैं इस बड़े से होटल में। तो ये है भाई अपना अंबानी हाउस, लिटरली यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा भाई, बहुत ज्यादा सही है। और अभी तो मैंने बार बार से दिखाया तुम्हें भाई, फटाफट से जाके ना इस वीडियो के बाद इसकी एक बारी वीडियो टूर देखना भाई, जो अंदर मैंने डेकोरेशन करी है ना भाई, लिटरली बहुत ज्यादा तगड़ी डेकोरेशन है। एक बारी मैं तुम्हें थोड़ा सा डेमो वर्जन दे देता हूँ। ओ भाई साइलिन यहाँ पे बात ले रही है लिटरली भाई, इनके मजे चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो गाइस, यहाँ पे अपना हम खाना पीना खा सकते हैं, अंदर की साइड पे ऐसी कुछ डेकोरेशन है भाई, देख रहे हो? अगर यहाँ पे ऐसी डेकोरेशन है तो तुम समझ सकते हो भाई बाकी यहाँ पे क्या कुछ होगा। लिटरली ये देखो कितना ज्यादा बढ़िया है अंदर से भाई, बहुत ज्यादा दिल से बनाया है। तो लेट्स गो गाइस, आज अपनी बहुत ज्यादा बड़ी फाइट है भाई, आज के लिए थोड़ा सा इस घर से दूर रहते हैं, नहीं तो मैं यहीं पे रह जाऊंगा फिर। मेरा फाइट पे जाने का मन नहीं करेगा भाई। अपने पोकेमोन्स को यार मुझे दवाई खुवानी पड़ेगी। तुम्हारे लिए खाना पीना है यहाँ पे? हाँ खाना पीना तो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोरा जीरो और एंड वेल्ट को छोड़ रखा है। ओके तो फटाफट से यहाँ पे ना ये सारा का सारा सल्फर एंड कोल इकट्ठा कर लेते हैं। ओके तो गाइज हम आ चुके हैं अपने मेन बेस पे एंड फटाफट से ना ये सारा सामान मैं वहां पे रख देता हूँ ऐसे करके। Let's go. भाई देख रहे हो तुम्हारे भाई की ट्रिक। ओके तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है एंड इसको गन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए ना सिंपली हमें यहाँ पे जाना है एंड इसको यहाँ पे गन पाउडर में कन्वर्ट कर देना है। एंड भाई कितने सारे गन पाउडर बन रहे हैं लिटरली, देख रहे हो? 5000 भाई साहब। ओके तो इन्वेंटरी भी सॉर्ट आउट हो चुकी है एंड चलो गाइज फटाफट से यहाँ पे कॉम्बो चेक करते हैं एंड फिर न्यू बेस पे जाके वो सारे के सारे एग ओपन करने हैं एंड उसके बाद उनको कंडेंस करना है एंड भाई फिर चलेंगे फाइट करने के लिए ब्लेज़मथ रियू से। तो लेट्स गो, फटाफट से पहले यहाँ पे ये केक रखते हैं एंड इनसे हमें मिला है एक ह्यूज ड्रैगन एग। ओ भाई ह्यूज ड्रैगन एग मिला इनसे, ऑल राइट, मुझे उम्मीद नहीं थी ह्यूज ड्रैगन एग मिलेगा। लेट्स गो देखते हैं। ओके क्या मिलता है? ओ जर्मन टैड मिला इनसे भाई, मुझे तो लगा था यहाँ से सजाकू एक्वा मिलेगा जैसे ब्रीडिंग लगी थी। ऑल राइट एक बार इनसे भी देख लेते हैं फिर क्या मिलता है। जोल्था क्रिस्ट एंड माउ से, ओ इनसे तो भाई छोटा सा एग मिला बस, रोकी एग अपने जैसा इन्होंने दिया है। ओके क्या निकलेगा इसमें से? हैंग यू। ओके वाओ भाई, अपने ब्रीडिंग ओनली वर्ल्ड में ये हैंग यू है नहीं। तो गाइस जितनी ब्रीडिंग हो सकती है ना भाई उतनी ज्यादा हैंग यू की ब्रीडिंग बताओ, क्योंकि हमें इसको ब्रीडिंग ओनली वर्ल्ड में भी ब्रीड करवाना है। तो लेट्स गो। ओ वेट, ऊपर ना भाई अपने बेस में काम हो रहा है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना भाई, दो तीन जर्मन टैड रख लेता हूँ जो कि उनका थोड़ा लेवल बढ़ जाए। ओके भाई लेवल देख रहे हो कैसे बढ़ रहे हैं? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो अपनी इन्वेंटरी में पोकेमोन रखेगा। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो इसको भाई, आर्टिस्ट इनका और सेक है ना, इसलिए कितनी जल्दी हाथ चला रहा है ये। ओ 4000 गन पाउडर बना भी दिए उन्होंने। ओके तो रात बस होने वाली है, फटाफट से कमांड टेबल से लगाते हैं न्यू वाले कॉम्बो। ओके तो चलता हूँ मैं ब्रीडिंग फार्म में एंड यहाँ पे आएगा ये एस्टा गन एंड इसके साथ में आएगी ये फ्लैरिस एंड दूसरे वाले ब्रीडिंग फार्म में पहले आएगा ये नाइट विंग एंड साथ में इसकी आएगी ये सैलरी। गुड मॉर्निंग गाइज, प्यारा सा नेक्स्ट डे हो चुका है एंड चलो भाई यहाँ पे चलते हैं। अपने मैंने फर्स्ट वाला कॉम्बो यहाँ पे लगा दिया है, तो अपना फर्स्ट कॉम्बो है फ्लैरिस प्लस एस्टागन एंड लिटरली भाई बहुत ज्यादा तगड़ा कॉम्बो है ये एंड ये वाला कॉम्बो है जोई 6 का। लिटरली भाई बहुत ज्यादा बढ़िया नाम है जोई भाई, शाउट आउट टू यू। देखते हैं भाई इनसे हमें क्या मिलता है। एंड जो अपना सेकंड कॉम्बो है वो है नाइट विंग प्लस सैलरी एंड भाई ये प्यारा सा कॉम्बो है विकास कुमार भाई का। विकास भाई शाउट आउट टू यू एंड भाई इनसे भी मुझे देखना है क्या मिलेगा। पहली बार ये ऐसा मैंने कॉम्बो लगाया है, वाटर टाइप प्लस न्यूट्रल टाइप, देखते हैं भाई क्या मिलता है इनसे। ऑल राइट तो हम आ चुके हैं न्यू बेस में भाई, यहाँ पे धूप अलग तरीके से पड़ती है और जो वहाँ पे धूप है ना अपने बेस पे भाई वहाँ पे अलग तरीके से पड़ती है। मतलब कि यहाँ का एनवायरमेंट थोड़ा सा अलग लगता है मुझे। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी थोड़े बहुत ही एग गए, लेट्स गो फटाफट से इनको भी ओपन कर देते हैं। वेट बनाने के लिए क्या नहीं है, एशियन सिविलाइजेशन
पार्ट्स। अच्छा पहले मैंने बना रखा है ना। लेट्स गो। वेट वहाँ पे किसकी फाइट हो रही है? लैम्ब बॉल को मारोगे? लैम्ब बॉल को हैं? लैम्ब बॉल को मारेगा? लैम्ब बॉल को मारेगा भाई। मार दिया यार उसने लैम्ब बॉल। लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया निशाना मारा, बट थोड़ा सा मैं चूक गया, बस थोड़ा सा टाइमिंग से चूक गया भाई, बचा लेता मैं उसको। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारे के सारे एग कलेक्ट करते हैं। ओके तो सारे फार्म के एग मैंने ओपन कर दिए हैं, अब ये एक लास्ट फार्म रहता है। लिटरली भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इनको ब्रीड करवाने में, लिटरली बहुत ज्यादा। ओके तो ये लास्ट वाला एग, लेट्स गो भाई। लिटरली बहुत ज्यादा एग थे यहाँ पे। ओके तो सारे के सारे जब एग ओपन हो चुके हैं, अब चलते हैं इस कंडेंस मशीन के पास। यहाँ से ना मुझे कोई बढ़िया सा पोकेमोन चाहिए। हाँ एक ये एंड और कौन सा लगेगा? हाँ एक ये। अब जितने भी नॉर्मल स्किल वाले जर्मेंटाइड है ना, फटाफट से मैं इनमें कंडेंस कर देता हूँ, फिर अपने पास बढ़िया बढ़िया जर्मेंटाइड रह जाएंगे। ऑलराइट तो लेट्स गो कंडेंस करते हैं इसे। अब अपने पास बस ये वाले जर्मेंटाइड रह चुके हैं जो बढ़िया बढ़िया है। देख रहे हो भाई, बस इतने से मिले हैं सारे के सारे अंडों में से, इतने से जो हमने अभी अभी खोले हैं। एंड भाई असली काम तो अब शुरू होने वाला है। जितने भी अपने जर्मेंटाइड है ना, अब हम मेन बेस में जाके उन सभी को कंडेंस करेंगे। लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट से अपने मेन बेस में। ऑलराइट तो हम आ चुके हैं अपने मेन बेस में। फटाफट से भाई उस पहले ना गोल्ड मर्चेंट को निकालते हैं। वेट वेट वेट, पहले इन जर्मेंटाइड को अंदर की साइड पे रखो एंड एलिमेंट करके ऐसे कर देते हैं, एंड एलिमेंट करके ड्रैगन कर देते हैं। एंड जितने भी जर्मन, ओ इसको तो मैं भूल ही गया भाई, इसको तो मैं भूल ही गया। वेट 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 वेट, एक बार इसको यहाँ पे लगाते हैं। एंड इनमें से कौन सी बढ़िया एजरोब है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइड एंड वैनगार्ड, इसको पकड़ते हैं। एंड जितनी भी एजरोब है ना फटाफट से इसमें कंडेंस कर देता हूँ मैं। बढ़िया। ओके तो अब अपने सारे के सारे जर्मेंटाइड यहाँ पे आ चुके हैं। लिटरली भाई देखो कितने सारे पेज भरे हैं। लेट्स गो भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला फाइट में। एलिमेंट करते हैं। एंड सबसे पहले मुझे चाहिए एक गोल्डन मर्चेंट, ये रहा भाई यहाँ पे, इसको फटाफट से ना यहाँ पे निकाल लेते हैं। एंड अब एलिमेंट करके ड्रैगन कर देता हूँ। हेलो सर, क्या हाल चाल, इतने ज्यादा दिन बाद मिलते हो। इतना आओ, दो मिनट, आपसे थोड़ा सा काम है भाई। इससे ना मैं वो सारी की सारी चीजें लेने वाला हूँ जिनको हम अपने पोकेमोन्स को खुआ के इनहेंस करेंगे। भाई देखो सबसे पहले मुझे इससे चाहिए ये केतली। इससे क्या होगा ना भाई, फटाफट से हम अपने पोकेमोन्स के स्टार बढ़ा देंगे। तो चलो गाइस, ऐसे जर्मेंटाइड को कंडेंस करने के बाद मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। लिटरली भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। ओके तो गाइस, मैंने काफी सारे जर्मेंटाइड कंडेंस तो कर दिया है, बट अब बात आती है इनके लेवल्स की। वैसे देखो यार मुझे और भी जर्मेंटाइड कंडेंस करने हैं, बट वो थोड़ी सी कंडेंसर वाली केतली ना खत्म हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और नेल्स बनाने के लिए दी हैं। के तो अपने यहाँ पे ये अनुबिसिस को क्राफ्ट कर रहे हैं। एंड जो इनकी लेवल्स की बात है ना, मतलब खड़े खड़े इनके लेवल 30 हो चुके हैं भाई, बस बेस में काम करवाने से। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे आयरन स्मेल्ट करने के लिए दे दिया जाए। तो लेट्स गो, पहले यहाँ पे आयरन देते हैं एंड ऐसे हम यहाँ पे भी देते हैं। एंड भाई अब देखना है इनके लेवल्स। ओके तो दोनों के दोनों जर्मेंटाइड भागे भागे आ रहे हैं, अभी देखना अभी देखना। लेट्स गो भाई, एक बारी लेफ्ट साइड में तुम ऊपर की साइड पे देखो भाई, देख रहे हो एक्सपी कितनी ज्यादा जल्दी जल्दी मिल रही है। 31, 32 ऐसे करके बढ़ेंगे लेवल इनके। और साथ ही में मैं क्या करता ना भाई, यहाँ पे भी काम करने के लिए दे देता हूँ। ओके तो यहाँ पे बना देते हैं पार्डियम फ्रेगमेंट, अपने पास स्टोन काफी सारे हैं। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये सैलेड। ओके एंड यहाँ पे भी मैं थोड़े से सैलेड बनाने के लिए दे देता हूँ। बढ़िया। ओके तो बेस में काफी सारा काम हो रहा है ना भाई, इसी वजह से इतनी सारी एक्सपी मिल रही है। और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, इस नोकलैम को हटाते हैं एंड एक जर्मेंटाइड को हटाते हैं। एंड इनके बदले में ना मैं दो जर्मेंटाइड और छोड़ने वाला हूँ, बट जर्मेंटाइड इग्नस। ओके आर्टिसन वर्कस्लेव एंड ये सीरियस। एंड ये क्या करेंगे ना, ये दोनों जाके फिर वहां पे काम करेंगे इस किचन के ऊपर, एंड और भी ज्यादा हमें एक्सपी मिलेगी भाई। देख रहे हो भाई, दिमाग हो तो ऐसा दिमाग हो, लिटरली एक टाइम पे हमें 10,000 भी एक्सपी मिल रही है, मतलब मेरे पोकेमोन्स को। खड़े खड़े 34 लेवल के हो चुके हैं भाई ये। ओके तो यहाँ पे कितनी नेल्स आई है भाई, यहाँ पे भी काफी सारी नेल्स आ चुकी है। तो चलो गाइस, नेल्स तो मेरे पास आ चुकी है, फटाफट से ना वो केतली ले लेते हैं। ओके बढ़िया। एंड मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ सारे जर्मेंटाइड के लेवल अप करने के बाद एंड उनको कंडेंस करने के बाद। तो ऑल राइट गाइस, सारी की सारी तैयारी हो चुकी है भाई, खाना पीना भी रेडी है। एंड जो अपनी जर्मेंटाइड की गैंग है भाई, वो भी फुल रेडी है, उनके मैंने सारे के सारे स्टैट इंक्रीज कर दिए हैं। वैसे देखो यार मैं इतना टाइम लगाना नहीं चाहता था, बट मैं सोच रहा था भाई किसी भी तरीके से कमी ना रह जाए, आज हम इसको डिफीट करके रहेंगे ब्लेजमत रियू को। तो पहले तो इस चेस्ट में ना वो सारी चीजें रख देते हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो ये इधर की साइड पे रख देते हैं। और शॉटगन वगैरह असोल्ट राइफल को भी यहाँ पे रख देते हैं। असोल्ट राइफल कहाँ पे है, ये रही अपनी। एंड मेरे पास रहेगी ये गिल्ड मिसाइल और सबसे ज्यादा बढ़िया वेपन अपना रॉकेट लॉन्चर। एंड जो पास पेयर है ना भाई, उनको बिल्कुल नहीं रखेंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। एंड भाई एक बार तुम मेरे पास गोल्ड कॉइन देखो, लिटरली इतने सारे मैंने
चीजें बाय करी है ना, कहाँ भाई अपने पास मिलियंस में गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, एंड आज देखो। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें सेट हैं, एंड इन चीजों को ना मैं नीचे की साइड पे रख लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें ना खाने पीने वाली हैं, एंड जो अपने वेब पर है ना वो इधर की साइड पे रखेंगे, जो कि स्वैप करने ना आसानी रहे। ओके तो गाइस, अपनी इन्वेंटरी तो सेट हो चुकी है। मैं ना यहाँ से ये फ्रेगमेंट उठा लेता हूँ जिनसे बनेगी ब्लेजमेंट रियू की स्लैब। तो ये भाई ब्लेजमेंट रियू की स्लैब कितनी ज्यादा बढ़िया दिखती है, बढ़िया जितनी ज्यादा बढ़िया दिखती है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। ओके तो ब्लेजमेंट रियू की स्लैब मेरे पास आ चुकी है ये रही। तो चलो फटाफट से यहाँ पे ना सारे के सारे चीज बर्गर उठा लेता हूँ, और थोड़े से यहाँ से केक भी ले लेते हैं, जो कि मैं कॉम्बो चेक कर पाऊँ। ऑलराइट, तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ पे कॉम्बो चेक करते हैं। एंड जो ये चीज बर्गर है ना, ये सारे के सारे मैं अपनी जर्मन टाइड गैंग को खुवाने वाला हूँ, जो कि उनका 20% अटैक और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो लेट्स गो, पहले ये वाला कॉम्बो चेक करते हैं, कॉम्बो चेक करने के बाद उनको खुवाएंगे। ओके तो भाई इनसे तो एक ह्यूज वाला डार्क एग मिला है, फ्लैरिस एंड इससे एस्टागन से। ओके रखते हैं यहाँ पे इस एग को, एंड क्या निकलेगा, मेस्टिंग। ओह मेस्टिंग ही निकला भाई। ऑलराइट, तो अब सैलरे एंड नाइटविंग से देखते हैं। इनसे मिला है एक स्क्रूचिंग एग, एंड ये ह्यूज है, वो नहीं लार्ज है ये। ओके मे बी इसमें से ब्लेज हाउस मे बी। ओ बुशी मिला है, एंड भाई इसके पास स्किल देखो, चार चार गोल्डन स्किल है इसके पास। वाओ भाई बढ़िया था ये। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे कॉम्बो लगाते हैं, एंड शाम भी ढलने वाली है तो कल के दिन पे करेंगे भाई फाइट। लेट्स गो, यहाँ पे आएगा ये गैलक्लो, एंड साथ में इसके आएगा ये ओसेक। ओके तो गाइस भाई एक अतरंगी सी ब्रीडिंग लग चुकी है भाई, ये वाली तो मैंने कभी भी ट्राई नहीं करी है, देखते हैं इससे क्या मिलता है। एंड ये वाला कॉम्बो है हार्दिक भाई का, हार्दिक भाई शॉट आउट टू यू। ओके तो सेकंड कॉम्बो में यहाँ पे पहले माओ कैट आएगी, एंड इसके साथ में लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा पोकेमोन डालने वाला हूँ मैं, ये किंग पा का। भाई ये भी लिटरली बहुत ज्यादा अजीब सा कॉम्बो है, एंड ये कॉम्बो है सुखराज गिल भाई का, सुखराज भाई शॉट आउट टू यू। एंड जितने भी ये चीज बर्गर है ना, फटाफट से अपनी पोकेमोन गैंग को खुआ देते हैं, जो कि भाई अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो फटाफट से अपनी जर्मन टाइड गैंग को बुलाते हैं, तो करते हैं ड्रैगन टाइप एंड बाय लेवल। ये देखो भाई सारे के सारे जर्मन टाइड आ चुके हैं यहाँ पे, लिटरली भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा है इनको अरेंज करने में। हाँ मैंने क्यों खा लिया भाई, इनको देना है, बढ़िया। तो लेट्स गो गाइस, मिलता हूं मैं तुम्हें नेक्स्ट डे पे, फटाफट से इनको ये चीज बर्गर खुआ के। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, एंड आखिरकार वो दिन आ चुका है जिस दिन हम फाइट करने वाले हैं ब्लेजमेंट रियू से, एंड फाइट ही नहीं उसको डिफीट भी करेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा फाइट करने के लिए, और ये वाली फाइट भी मैं वहीं पे करने वाला हूँ जहाँ पे मैंने बैलियर एंड उसके सिस्टर को डिफीट किया था। ओके तो हम आ चुके हैं अपनी उसी वाली जगह पे, लेट्स गो। बिना किसी देरी के ना यहाँ पे समनिंग अल्टर बिल्ड करते हैं। ओके तो सामान मैंने यहाँ पे रख रखा है, बढ़िया। इसको ना थोड़ा पाल बॉक्स से दूर बिल्ड करेंगे यहाँ पे। भाई समनिंग अल्टर यहाँ पे बिल्ड हो चुके हैं, लेट्स गो गाइस। अपने सारे के सारे यहाँ पे जर्मन टाइड आ चुके हैं, एंड इनको बाहर निकाल देते हैं। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एंड बर्गर तो मैंने कल ही रात सबको खुवा दिए थे, एंड उनका टाइमर ना चला जाए तो फटाफट से भाई बुलाते हैं ब्लेजमेंट रियू को। लेट्स गो, स्लैब मैंने यहाँ पे रख दिया है। बुलाने से पहले ना एक बारी एजरोव निकाल लेता हूँ। ओह वेट, सबसे बड़ी गलती भाई, एजरोव का सैडल में घर पे भूल आया। अबे भाई यार उस पे बैठने के लिए सैडल भी तो चाहिए, एंड पाल बॉक्स कहाँ पे गया मेरा, ये रहा भाई। इतनी बड़ी की चीज मैं कैसे भूल गया यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, सैडल आ चुका है, फटाफट से बैठते हैं एजरोव पे, बुलाते हैं ब्लेजमेंट रियू को। ओके बढ़िया। ओ भाई साहब इसकी 5 लाख हेल्थ है। ओके ओके मेरा मिसाइल लॉन्चर, एंड दूसरे वाला कहाँ पे गया, ये रहा, बढ़िया। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, एक सेकंड का भी वेट नहीं होना चाहिए, कहाँ पे आइए। ओ भाई ओ कितना ज्यादा डैमेज पड़ा है इसको, देखा 23,000 का पड़ा है मे बी, कहाँ पे आइए। ओ भाई 30,000 का डैमेज पड़ा है लिटरली मेरा। ओ वेट वेट, ये आग के गोले पर सारा ये। ओ भाई साहब इसकी हेल्थ देखो कैसे लिपट रही है। ओ भाई दिखता कितना ज्यादा बड़ा है ये भाई, लिटरली मैं पहली बारी देख रहा हूँ इसको। ओ भाई 32 वेट। भाई साहब मेरा डैमेज देखो एक बार। ओए भाई कितना बड़ा है ये लिटरली। ओके ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेट्स गो भाई, रॉकेट लॉन्चर ओपी। ओह भाई साहब क्या डैमेज दिया इसने, क्लैप मार दी इसने वही वाली। ओके ओके ये फिर से कूलडाउन में चला गया है। ओह भाई साहब हाइड्रोलाइजर मार रहे अपने सारे के सारे जर्मन टाइड भाई, बहुत ज्यादा सही है। ओके बढ़िया 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 भाई, इसको लपेट दिया भाई लपेट दिया। एक बारी ना मुझे जाके देखना चाहिए
किसी को चोट तो नहीं आई ना? हाँ, एक को चोट आई है, इसको बदल देते हैं, लेट्स गो भाई। मुझे ना बदलते रहना चाहिए, मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए इसको। ओ वो देखो, वो देखो, वो देखो भाई, आग के गोले पर सारा ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये रहा। ओ लगा लगा लगा, मुझे लगा मिस हो जाएगा, लगा भाई लगा, लेट्स गो। ये भी पढ़ना चाहिए, ओ पड़ा भाई, पड़ा पड़ा पड़ा। वेट, ये भी रिजनरेट कर सकता है। एंड ये इलेक्ट टाइप बन चुका है, इसकी 2 लाख है, चली गया। पीटो 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 भाई, ऐसे मेरे सारे के सारे जर्मन टाइड मर जाएंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट में है। ओ ओ भाई साहब, सारे जर्मन टाइड लपेट दिए इसने। कहाँ पे आइए, ये रहा ये रहा ये रहा, उतर 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 उतर। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई मैंने सबका डिफेंस बढ़ा रखा है एंड इसने सारे जर्मन टाइड लपेट दिए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, पूरी गैंग बना रखी है। ओ भाई साहब, ओके ओके ओके, एजरोव 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 भाई, अगर अनुबिस साथ में होते ना तो इसको हरा देते। ओ ओ भाई साहब, इसका ये वाला अटैक देखो भाई, ओ ये कॉमेट बीम मार रहा है। ओके गाइस, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, एज़रो को इधर बुलाते हैं। ओके इसमें से ना, ओ नहीं 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 नहीं, जर्मन टाइड यहाँ पे होने चाहिए, इसका ध्यान भटका रहना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। ओ गाइस, ये कैसे मार रहा है भाई, वैसे इसकी हेल्थ जा रही है अच्छी खासी। अबे यार, एक तो ये ड्रैग नहीं होते ना, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई। अब ये ड्रैग नहीं हो रहे हैं। ओ वेट 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 वेट, इसने मेरे पे कॉम्बैट स्ट्राइक करवा दी। लेट्स गो, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस तुम्हें डटे रहना है, तुम्हें डटे रहना है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, मार तो रहा है, मार तो रहा है, ये कहाँ पे गया, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है ये। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हरा देंगे, हरा देंगे इसको, आज ही हरा देंगे, बढ़िया बढ़िया। Let's go. Okay, भाई 58 इसकी हेल्थ आ चुकी है भाई, पक्का मुझे लगता है इसको हरा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, बस तुम्हें थोड़ा सा रखना पड़ेगा भाई, सपोर्ट करो गाइज, लेट्स गो। ओ मेरा पाल बॉक्स, ओके ओके, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये देना। ओ बढ़िया, ड्रैग हो रहे हैं, ड्रैग हो रहे हैं भाई, ड्रैग होते रहो ना, वो अच्छी बात है। लेट्स गो लेट्स गो भाई, बहुत ज़्यादा सही जर्मन टाइड है, आधे जर्मन टाइड तो ऐसे हैं जिनको मुझे ऐसे मतलब कि पाल बॉक्स के अंदर लेके आने नहीं पड़ा है। ओके 34 इसकी हेल्थ आ चुकी है, 34,000, लेट्स गो। कहाँ पे है ये, कहाँ पे है, ये रहा ये रहा ये रहा, ये पड़ा नहीं, पड़ा नहीं, पड़ा उसको नहीं पड़ा यहाँ पे। ओ वो इनवी, अच्छा इनविजिबल होता है ये, कहाँ पे है भाई पता नहीं, मैं तो अंधे मुंह चला रहा हूँ, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, इतने सारे जर्मन टाइड में एंड वेट, काफ़ी सारे इसने जर्मन टाइड मार दिए हैं। ओके ओके भाई, उसकी 90,000 हेल्थ रह चुकी है, मुझे दिख रही है ऊपर से। ओके 40,000, ओ भाई साहब सारे के सारे उसने मार दिए एकदम से। ओके ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तुम्हारे भाई ने इतनी ज़्यादा बड़ी गैंग बना रखी है ना, चाहे दो जर्मन टाइड कह रहा हूँ, दो ब्लेज मत्रियो आ जाए एक साथ। लेट्स गो गाइस, 3,000, 2,000, 1,000, 33, लेट्स गो लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ओ भाई साहब, कितना ज़्यादा बड़ा था ये, देख रहे हो तुम। ओ भाई, इसका एक पैर मेरे बराबर है भाई। वेट वेट वेट, सबको अंदर करते हैं फिर अच्छे से दिखेगा ये। लेट्स गो जर्मन टाइड गैंग, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे भाई, अपने पोकेमोन्स तो लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ओके ओ वेट, वो चला गया,
आखिरकार हमने ब्लेज मंत्रियों को पहली बार में डिफीट कर दिया। एंड भाई लिटरली कितनी ज्यादा बढ़िया फाइट थी। हाँ मतलब कि मैं ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया फाइट में क्योंकि मैं स्वाप करने में ज्यादा बिजी हो रखा था। बट भाई जो अपनी जर्मन टाइड गैंग है क्या लपेटा है भाई इसको। हालांकि उसके अंगेंस्ट में भी नहीं थी आखिर के टाइम पे क्योंकि वो आखिर के टाइम पे ना इलेक्ट्रिक रूप में बदल गया था। ओ बट भाई जो शुरू में उसको धोया है ना क्या लपेटा है भाई। ओके मिला क्या कुछ है इससे। वेट ओ सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक ह्यूज ड्रैगन एग। ओके और वेट भाई मुझे फाइट की इतनी ज्यादा जल्दी थी मैंने अपना आर्मर भी नहीं चेंज किया। लिटरली इसी आर्मर में मैं लड़ रहा था भाई। दो लेजेंडरी आर्मर लेके घूम रहा हूँ मैं अपनी इन्वेंटरी में भाई। कितनी ज्यादा बड़ी गलती हो सकती थी ये मेरी। ओ भाई साहब ये बेचारा गलती लपट गया भाई फाइट में। के और क्या चीज मिली। ओ एक भाई प्लेज्मा त्रियो की अल्ट्रा स्लैब मिली है जैसे बैलनर की अल्ट्रा स्लैब होती है। एंड बाकी चीजें तो वही मिली हैं जो रैंडम हमें मिलती हैं। तो चलो गाइस फटाफट से अपने मेन बेस पे चलते हैं एंड जितनी भी अपनी जर्मन टाइड गैंग है ना सबको खाना देते हैं। लेट्स गो हम आ चुके अपने घर पे। ऑलराइट गाइस ये रहे अपने जर्मन टाइड। लेट्स गो भाई इनको बेस में छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है ये अभी के अभी ठीक हो जाएंगे। लेट्स गो। ओके तो गाइस सारे के सारे जर्मन टाइड क्योर हो चुके हैं। हाँ बस ये थोड़े से बड़े हैं ना इसलिए ऐसे ग्लिच सा हो गया इनके साथ। ओ ये देखो भाई कुछ जर्मन टाइड तो ठीक भी हो चुकी हैं लिटरली। ये देखो लेट्स गो गाइस आज लिटरली बहुत ज्यादा मजा आया फाइट में। एंड सबसे पहले तो ये जो ड्रैगन एग है ना इसको यहाँ पे इंक्यूबेटर में लगाते हैं बढ़िया। तो चलो गाइस इस एग को खोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना नेक्स्ट वीडियो में फाइट करी जाए बेलेनोर अल्ट्रा से। लिटरली भाई अभी वो भी तो रहती है हैरानी। तो तुम बताना क्या हमें नेक्स्ट वीडियो में उससे फाइट करनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी मेन बात तो ये है क्या मुझे इस ह्यूज एग में से एक बॉस ब्लेज्मा त्रियो मिलेगा। एंड मिलेगा तो वो कौन से सिंबल का मिलेगा क्योंकि भाई उसकी भी तो हमें एक बड़ी सी आर्मी बनानी है जैसे हमने अपने जर्मन डैड की आर्मी बनाई है। तो चलो यार गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें फाइट में मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना। और बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बफी गॉन बफी गैंग इज ऑन।